Good morning, students. Today I am going to start exercise 17B. Today we will do addition and subtraction of kilogram and gram. बस आपने प्लस और माइनस करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि किलोग्राम में हमेशा किलोग्राम को ऐड करना है और ग्राम में हमेशा ग्राम को ऐड करना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से ऐड 274 एंड 356. दीज टू वैल्यूज ऑफ ग्राम, ये ग्राम की वैल्यूज है, ग्राम हमने टॉप पे लिखना है. ठीक है, तो अब हम उनको प्लस करेंगे. 6 4 10, 1 इज कैरी, 7 plus 1 8, 8 plus 5 13, 1 is carry, 3 plus 2 5 1 6. So no need to write gram here, क्योंकि हम top पे gram लिख चुके हैं. ठीक है, अगर आप अलग से answer लिखना चाहते हो तो आप answer में फिर gram लिख सकते हो. ठीक है, now again these are the value of again grams. 9 6 15, 15 plus 8 23,
कि हमें टॉप पे किलोग्राम की वैल्यूज है तो किलोग्राम लिखना है, ग्राम की वैल्यूज है तो ग्राम लिखना है, ठीक है। अगर किलोग्राम बोथ है, किलोग्राम एंड ग्राम, तो किलोग्राम एंड ग्राम लिखना है, ठीक है जी। अगर अकेले किलोग्राम की वैल्यूज है तो किलोग्राम लिखना है, क्लियर। और अगर ग्राम में वन डिजिट है तो उसके आगे टू जीरो प्लेस करनी है, टू डिजिट है तो वन जीरो प्लेस करनी है, हमें लगानी है, ठीक है जी। और ग्राम में ऑब्वियस थ्री डिजिट नंबर होना चाहिए, क्लियर। सो दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।